I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. No, I don't wanna. तो इस बात का अपन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि घर में इस तरह का माहौल चल रहा है। हालांकि मेरा कोई प्लान नहीं था बर्थडे करने का, क्योंकि हर बार मैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में बाहर सेलिब्रेट करने जाता हूँ। तो इस बार थोड़ा मेरा मूड सही नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना हर बार की तरह बर्थडे ना मनाया जाए, इस बार स्किप करता हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं दोस्तों को इकट्ठा करूँ, बुलाऊँ सबको, केक कटिंग करूँ, ये वो, मेरा मन नहीं था इस बार करना है कुछ भी। ऐसे नॉर्मल डेज की तरह मैं अपना बर्थडे को लेकर के चल रहा था, लेकिन जो हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं व्लॉग में। गिफ्ट कौन से लाए मेरे लिए? बर्थडे मनाने सारे आ गए, केक का भी लिया तू और डेकोरेशन भी कर दी, गिफ्ट नहीं कोई सा लाया? नहीं बता दो। तो वही इन्होंने सारे सारे बच्चों ने पूरी पूरी मिलकर महफिल जमा रखी है यहाँ पे बर्थडे के लिए मेरे। हालांकि ये अनप्लान बर्थडे था बिल्कुल, मतलब सरप्राइज दिया इन्होंने मुझे बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। मेरा तो कोई इरादा था नहीं ना, मैं इस बार अपने दोस्तों के साथ में कहीं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गया बाहर, मतलब मेरा इरादा कुछ था नहीं बर्थडे सेलिब्रेट करने का। लेकिन बच्चों ने घर में कर रखा है इंतजाम, तो अब इनकी खुशियों के लिए कर रहा हूँ व्लॉग एक, क्योंकि व्लॉग करने का कोई इरादा नहीं था, बट इन्होंने सेलिब्रेशन के लिए सारा इंतजाम कर रखा है सामने। तो भाई हम केक वगैरह काटते हैं, आ जाओ बच्चों सारे, फिर इधर सारे सारे बच्चे केक पर लेने जमा पड़े हैं। क्या लाइए? कितनी लाइए? हैं? क्यों? क्या लाइए? कितनी लाइए? क्या लाइए? मूड मेरा सही नहीं था, मैं बहुत दिमाग खराब था, लेकिन फाइनली यहाँ पर आके मेरा मूड थोड़ा सा एक हैप्पी हो गया, क्योंकि यार फैमिली के साथ में ना पहला व्लॉग है मेरा। अभी फैमिली से आपको मैंने अपना इंट्रोड्यूस नहीं कराया है, कराऊंगा आने वाले व्लॉग्स में, अपनी पूरी फैमिली को आप लोगों से मैं इंट्रोड्यूस करा दूंगा। तो ये व्लॉग तो मेरा फैमिली का फर्स्ट व्लॉग है, बाकी अभी आते रहेंगे इस तरह के मेरे व्लॉग, बाकी देखते रहिएगा आप मेरे व्लॉग। And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go. the highways and I see the horizon, turn us to thousands. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. On and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And कहाँ जा रहे बैठ जाओ जी हैं लेके चल रही है बस चलो भाई पहला आया बर्थडे का पैसा तो भैया जी ये था एक अनप्लान बर्थडे, मतलब एक सरप्राइज बर्थडे था मेरे लिए। घर में मतलब फैमिली में इसलिए मनाया क्योंकि इस बार मेरा विचार नहीं था दोस्तों के साथ बाहर बर्थडे वगैरह मनाने का। कुछ मेरा सोच से मतलब ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था कुछ बार इस बार भी, तो वही है बस घर वालों ने इस बार थोड़ा सा मुझे सरप्राइज दिया, काफ़ी अच्छा लगा। खैर बाकी सब बच्चों लोग ज़्यादा मेरे साथ मौज मस्ती करते नहीं है इतना, इसलिए सब लोग सीरियस से हैं, बिल्कुल साइलेंट से, इतना फन वाला बर्थडे नहीं था। लेकिन हाँ जो भी था अच्छा किया, मतलब सब लोगों ने अच्छा सा अरेंजमेंट करके सब बच्चे इकट्ठा करके फैमिली के यहाँ पर, काफ़ी मज़ा आया, अच्छा लगा काफ़ी। अब सब बच्चों की चल रही है बर्थडे की पार्टी, अभी इन्होंने अरेंजमेंट सब कुछ अपने आप कर रखा था, पता नहीं भाई मुझे किसी ने कैसे कैसे किया, लेकिन हाँ सारे बच्चे आराम से खा रहे हैं। भाई खा ली क्या बटन क्यों? तो अपनी बहना है, इन्होंने ये कुछ अरेंजमेंट कर रखा था भाई केक वगैरह का और ये डेकोरेशन का सारा काम इन्होंने क्या किया। अच्छा लगा बहुत मुझे, लेकिन मेरा तो प्लान था नहीं, बट इन्होंने जैसे दिखाया बहुत अच्छा किया यार। थैंक यू सो मच सभी का। तो चलो भाई अब अपने व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तो फाइनली यार बहुत मन खुश हो गया है, इस तरह का बर्थडे सरप्राइज मेरे को पहली बार मिला है, मेरी फैमिली ने दिया है। और स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा मैं अपनी बहनों के लिए जिन्होंने ये सब अरेंजमेंट किया था। हालांकि अगर वो मुझे बोलते कि भैया इस तरह का बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो पार्टी वार्टी का सब इंतजाम मैं खुद कर लेता, बट उन्होंने मेरे को नहीं बताया, सरप्राइज दिया मुझे एक अनप्लान बर्थडे का। आप लोगों को कैसा लगा मेरा बर्थडे सरप्राइज व्लॉग प्लीज कमेंट करके बताएं, और जिन लोगों को विश करना है वो भी कमेंट कर दीजिए हैप्पी बर्थडे वगैरह जो भी आप विश करना चाहते हैं मुझे। और फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में यार, आप लोग एंजॉय कीजिएगा। और जिन लोगों को बर्थडे मेरे को विश करना है बाकी वो प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिएगा मेरे लिए विशेस, और प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट और दुआएं इसी तरह करते रहे। मैं आप लोगों की दुआओं के जरिए आगे बढ़ता रहूँगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।